भाई लड्डू लेते जाइए, ठाकुर साहब लड्डू लेते जाइए, एक आदमी के लड्डू लो, दो दुकान ले लो, लड्डू लेते जाओ, और ठाकुर साहब के लिए नारे लगाते जाओ। अरे मुंह में ठाकुर साहब का लड्डू डाल लिया है, लड्डू में से ठाकुर साहब के लिए आवाज तो निकालो, ठाकुर साहब। अरे बबम बबम नहीं, जिंदाबाद ठाकुर साहब। अबे मुंह में ठाकुर का लड्डू है, लड्डू में से ठाकुर की आवाज नहीं निकलता है, बोल ठाकुर साहब। जिंदाबाद। तुम लोगों को तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगा, तुम्हारी गंभीर समस्याओं को दिल्ली लेकर जाऊंगा। ये खड़े खड़े पार्लियामेंट में जाएंगे इसी जीप में, और अफ्रीका में हो रहे जुल्मों को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अत्याचार सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि तमाम इंसानी बरादरी पर हो रहा है। मैं अपने भाषण के बारूद से युवाओं को उड़ा कर रख दूंगा और अफ्रीका को आजादी दिलवा कर रहूंगा। तू क्यों ताली बजा रहा है? तेरा बाप अफ्रीका का था? नहीं। तेरी माँ अफ्रीका की थी? नहीं। तेरे मालूम अफ्रीका किधर है? हाँ, एक बार मैंने नक्शे में देखा था, आजमगढ़ के बाजू में है। अच्छा, वो बता दिया, मुझे नहीं मालूम था। इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। खाली लिखा हूँ, पढ़ा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगले दिन अगर कोई पूछे तो कहना मैंने तुझको बताया था। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना कीमती वोट मुझे ही देंगे। और शरीर ढाकने के लिए आपने कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। कहना क्या है, हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये देखो, ये लो, छोड़ दो, छोड़ छोड़ छोड़, ये लो। लगता है आपके भाषण का लोगों पे काफी अच्छा असर पड़ा है। क्या मतलब? मतलब कपड़े ये खराब हो गया। अरे कल वोट लेना तो आज कपड़े देने पड़ेंगे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कपड़ा दो, ठाकुर साहब कपड़ा दो, कपड़े सबको देंगे। इसे कहते हैं भूखी जनता का नंगा लीडर। तुम सच्चाई का स्तंभ हो, कुर्बानी का कुतुब मीनार हो। ठाकुर साहब, मेरी तमन्ना है कि काश दुनिया के तमाम अखबारों में आज तुम्हारी ऐसी हालत में तस्वीर छप सकती तो कल दुनिया को पता चलता कि जनता को कल नंगा करने वाला लीडर आज खुद नंगा खड़ा हुआ। मैं तो कहता हूँ आप ऐसी राह कीजिए, आप ऐसे अच्छे लगते हैं, कपड़ों में ज्यादा नंगे देखते हैं, नंगे में ज्यादा शरीफ लगते हैं। चुप चुप। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। देवी माँ, तू सारे संसार की माँ है, आज तेरे गरीब बेटे की इज्जत का सवाल है। वो हार गया तो तेरे सामने सर झुकाने वाले सारे गरीब बेटों की हार होगी माँ। गरीबों के दुख के लिए तड़पने वाले तेरे बेटे को इज्जत से जिता दे माँ। माँ, ये छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कर लो, ये मेरे मन्नत की निशानी है। पुजारी जी, ये साड़ी लीजिए, माता पे चढ़ा दीजिए। गंगापुर के वासियों, वोटों की गिनती जिस प्रकार से चल रही है, ये वोटों की गिनती खत्म क्यों नहीं हो रही है? उन्हीं वोटों को बार बार गिने गए लोग। ऐसा ही कुछ लग रहा है। अरे फिक्र मत करो, आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे। मुंह से निकल गया। 1195 वोटों की गिनती जारी है। ठाकुर साहब, ये रवि का बच्चा तो हाथ में मंगलसूत्र लेके घूम रहा है। क्या, किसने सुना नहीं आपने? वोटों की गिनती में हम आपसे आगे हैं, मतलब आपसे लीड कर रहे हैं। तुम लीड कर रहे हो तो ठाकुर साहब के लीड कर रहे हैं। अरे वो हम लोगों की बेमानी के वोटों का बक्सा किधर गया? ए, मर गया। लोमान यहाँ खड़ा रहे, और जैसे इलेक्शन का नतीजा निकले मुझे खबर कर देना। और ठाकुर साहब का ख्याल रखना, खुद भी मत डरना, इनको बैठाने मत देना। मैं अभी आया। कैसे टेढ़े मेढ़े चल रहे? नहीं, अब ग्राम पंचायत के चुनाव का परिणाम घोषित किया जा रहा है। रवि कुमार अपने विरोधी ठाकुर अटल सिंह को 1000 मतों से पछाड़कर यह चुनाव जीत गए। बेटी, तू क्यों आ गई? जी मेरा मतलब है, तू कब आई? बस मैं अभी आई हूँ। वो तेरा भाई कहाँ? हम लोग कार से पहले आ गए थे, दूल्हे के माँ बाप ट्रेन से आ रहे हैं, भैया कार लेकर स्टेशन गए हैं। अच्छा, तू चल चल जिम में बैठ जा। अरे हम तो अभी अभी आए और आप जाने को कह रहे, आखिर बात क्या है दादी? मैंने कहा ना बाद में बताऊंगा, चल तुम अपना सामान उठा। अरे भाई, जीप उठाकर सामान में रखो। ओहो, क्या मुसीबत है, ये कबक चंडी दास उसका सत्यानाश हो। अरे भाई, सामान उठाकर जल्दी से जीप में रखो। रवि भैया जिंदाबाद, 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 रवि भैया वापस मोड़ो।
ये नदी की गाड़ी कैसे मोड़ू? अरे तुम कैसा ड्राइवर है, जल्दी से गाड़ी मोड़ो। ये क्या हंगामा है दादी? कुछ नहीं कुछ नहीं बेटी, ये गांव के नीचे लफंगे हैं ना, दारू पी के हंगामा कर रहे हैं। ठाकुर साहब, अपने इकरारनामा को ठोकर मारकर और रवि की जीत की खबर सुनकर अपनी बेटी को लेकर गांव से भाग जाने की कोशिश कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए आपको। कौन भाग रहा था? मैं भाग थोड़ी रहा था। तो क्या बेटी को साथ लेकर गांव आपका स्वागत करने जा रहे थे? रवि, सिगरेट चलाना बंद करो और सीधे मुंह बात करो। डैडी मगर तू अंदर जा बेटी, चलो तुम मेरे साथ। आइए आइए समझी जी, आइए तशरीफ लाइए। अब तो आप खा बखा भीख मंगे से ठाकुर घराने के समधी बन गए। भीख मंगो, तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ चाल चली है। जिंदगी भर तूने मेरे पैर दबाए और आज मौका मिलते ही तुमने मेरा गला दबा दिया। मेरी इज्जत, मेरे घर को बर्बाद कर डाला तुम लोगों ने। नमक खराबो, मैंने तुम लोगों को अनाज खिला खिला कर जिंदा रखा और आज आज मेरे ही घर की दीवारों को हिला रहे हो तुम लोग। मेरी ही इज्जत की बुनियाद को भारूड से उड़ा रहे हो। मालिक, इसमें कसूर मेरा ही है। मालिक, उस दिन जब रवि मेरे हाथ में छुरा देखकर मुझे कह रहा था कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस चुनाव में खड़ा रहूं तो अपने हाथों से मेरा खून कर दीजिए, मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, उस वक्त अगर मैंने यही किया होता तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। मालिक, देखो गोविंद, अब भी कुछ नहीं मिला, तुम्हें जितने रुपया पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम कहो तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे बेटे के नाम कर देता। तुम सिर्फ अपने बेटे से इतना कहो कि वो मुझसे न कहे कि अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊं। तुम्हारे सामने तो मैं अपने सर झुका सकता हूँ गोविंद, लेकिन जिस लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी होने वाली है उनके सामने मेरा सर मत झुक दे। तो नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मेरी मान मर्यादा इज्जत आबरू अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है गोविंद। मैंने इन्हीं हाथों से सारी जिंदगी तुम्हें रोटी कपड़ा अनाज रुपया पैसा इज्जत सब कुछ दिया। अब यही हाथ फैलाए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को मालूम हो गया कि मैंने इतनी जबरदस्त गलती की है और अपनी जिद के जुए में सताव पर लगा बैठा हूं तो वो मेरे मुंह पर थूकेगी। जाओ गोविंद, जाओ अपने बेटे को जाकर समझाओ और ये पागलों की तरह चलाती हुई भीड़ को यहां से हटाओ, बाकी हम सब बैठकर अपना हिसाब किताब कर लेंगे। सोच के रहे। देखो गोविंद, इतने दिनों तक तुमने अपने हाथों से मेरे पैरों को दबाया है, अगर कहो तो आज मैं अपना सर तुम्हारे पैरों में रखने के लिए तैयार। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसी बातें कहकर मुझे पापी मत बनाइए। मालिक, मैं कोशिश करता हूं। सिर्फ इतना कहना है रवि कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा और इन सब से कह दे कि यहाँ से चले जाए। अरे ऐसे कैसे जाए, जब तक के रवि ठाकुर साहब की लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं पहना था यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ठाकुर साहब की लड़की के गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र अगर तुम्हें पहनाना है रवि तो पहले मेरे टुकड़े कर दो, उन टुकड़ों से गुजर के ही तुम उस लड़की तक पहुँच सकते हो। पिताजी, अरे कैसा बेशरम बेटा है तू, इतना सब सुन के भी यहाँ बैठा है? मतलब तेरी नजरों में गांव वालों की बाप का मान ज्यादा है, बाप की जिंदगी का कोई मान नहीं है। आज तक मैं सीना ठोक कर लोगों से कहता कि यह मेरा बेटा है, इसकी रगों में मेरा खून है, मैं इसका बाप हूँ, मगर नहीं, आज तो लगता है मैं नहीं ये सब गांव वाले तेरे बाप हैं। अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो उसका सर कट के जमीन पे पड़ा होता। आपने गांव वालों के सामने मेरी मां को गाली दी है, इन गद्दारों की वफादारी में आपने मेरी मां के पवित्र आंचल पर कीचड़ उछाला है, इसके बावजूद मैं खामोश हूं, यही इस बात का सबूत है कि मैं आपका बेटा हूं। इससे पहले कि मैं इस रिश्ते को भुला दूं, उसकी हदों को पार कर दूं, आप यहां से चले जाइए, चले जाइए यहां से।